हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास और मैं आप सभी का नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, जैसा कि हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाए, फिर नॉर्मल इंग्लिश को कैसे स्पीक किया जाए, इस सीरीज़ का यह सातवां टॉपिक है। मैंने ऑलरेडी इस सीरीज़ का 6 टॉपिक्स पहले ही अपलोड कर दिया। यदि आपने अभी तक उन टॉपिक्स को वॉच नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को विजिट करके पहले आप उन 6 टॉपिक्स को वॉच कर लीजिए। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे वोकैबुलरी के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय या फिर इंग्लिश से स्पीक करते समय हमें वोकैबुलरी, जिसे कि हम लोग ग्लोसरी के नाम से भी जानते हैं, जिसे हिंदी में कहा जाता है शब्दकोश, इसकी काफ़ी आवश्यकता होती है। तो अगर आप अपनी वोकैबुलरी को इंक्रीज करना चाहते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैं अपने आइडिया शेयर करने वाला हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज की इस वीडियो में वोकैबुलरी के बारे में बात होने वाली है, तो मैं किसी तरह से इस व्हाइट बोर्ड का यूज़ नहीं करने वाला हूँ। केवल मैं अपना आइडिया शेयर करूंगा कि किस तरह से आप अपनी वोकैबुलरी को इंक्रीज कर सकते हैं, ताकि आप अपनी हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की क्षमता को और इंग्लिश को स्पीक करने की क्षमता को काफ़ी हद तक इंक्रीज कर सकते हैं। तो अगर आप अपनी वोकैबुलरी को इंक्रीज करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे सिंपल सा आइडिया है कि आप इंग्लिश की स्टोरीज़ पढ़िए। अगर आप इंग्लिश की स्टोरीज़ पढ़ेंगे तो आपको सेंटेंस ज़्यादा डिफिकल्ट देखने को नहीं मिलेंगे, और आप स्टोरीज़ पढ़ रहे हैं इस वजह से आपका इंटरेस्ट भी उसमें बना रहेगा, और उसमें जो भी डिफिकल्ट वर्ड आए आप उसे एक नोट में लिख लीजिए और उसके बाद डिक्शनरी से उसका अर्थ फाइंड आउट करके अपने डेली लाइफ के सेंटेंसेस में उसको यूज कीजिए, और धीरे धीरे जो वर्ड है आपके माइंड में फिट हो जाएगा। अगर आप शुरुआत में इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं तो आप करिए यह कि जो छोटे बालक होते हैं आपके घर में या परिवार में, उनसे आप क्या कीजिए, इंग्लिश में बात करने का प्रयास कीजिए। इससे आपका जो सुनने वाला है वह समझे या ना समझे, लेकिन आपका प्रैक्टिस काफ़ी हद तक हो जाएगा। तो जैसा कि आप इंग्लिश की स्टोरीज बुक पढ़ रहे हैं, इस वजह से आपका जो इंटरेस्ट होगा वह बना रहेगा, और जो भी डिफिकल्ट वर्ड आए आप उन्हें एक नोट्स के माध्यम से तैयार करके अपनी डेली लाइफ में उसका अर्थ फाइंड आउट करके यूज कीजिए, और आप धीरे धीरे आप उस वर्ड को आसानी से माइंड कर लेंगे और आपकी वोकैबुलरी भी धीरे धीरे इंक्रीज होने लगेगा। और जैसा कि मैंने बताया, आप जो भी वर्ड नया सीखते हैं उसे आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ कीजिए, और छोटे बच्चों के साथ इंग्लिश में कन्वर्सेशन का प्रयास कीजिए। भले ही आपका जो सुनने वाला है वह समझे या ना समझे, लेकिन आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको केवल इतना बताना चाहता था कि आपका जो वोकैबुलरी है वह काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और नॉर्मल इंग्लिश को स्पीक कर सकते हैं। तो यह टॉपिक जो है वो आप पे डिपेंड करता है, आप कितना जल्दी इसको इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में आपको केवल यही बताने वाला था। तो मैंने काफ़ी दिनों बाद वीडियो अपलोड किया, इसकी वजह यह है क्योंकि इन दिनों मैं वेबसाइट पे कार्य कर रहा हूँ, तो काफ़ी बिजी शेड्यूल हो गया है, और ज़्यादातर मेरे स्कूल के और कोचिंग के जो परीक्षाएं चल रही हूँ उस वजह से मुझे कुछ कापियाँ भी चेक करने को पड़ रहा है, इस वजह से थोड़ा सा मैं बिजी हो गया हूँ, इसलिए वीडियो आप लोगों के लिए नहीं ला पा रहा हूँ, इसके लिए मुझे काफ़ी दुख है। तो वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट क्लास 12 के हैं वो हमारे सेकेंड चैनल नॉलेज बीम प्लस पर जाएं, वहाँ पर बुक से रिलेटेड बहुत सारी अच्छी तरह प्रिपरेशन कराया जा रहा है, वहाँ से अपना बुक से रिलेटेड प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए काफ़ी हद तक हेल्पफुल रहेगा और आप अपनी वोकैबुलरी को काफ़ी हद तक इंक्रीज़ करेंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।